अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाना पटेल लथरानी न्यूज़ से हनीफ कच्ची के साथ। मेरे हिस्से में किताबें ना खिलौने आए, मेरे हिस्से में किताबें ना खिलौने आए, ख्वाहिश रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। सारी दुनिया ने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या हमको ये वुमेंस डे मनाने का हक है? ये सच है कि एक तरफ कुछ औरतों ने तरक्की की, लेकिन वही दूसरी तरफ आज भी जहेज के लिए हमारी बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कुछ बच्चियों को आज भी तालीम से दूर करके काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। रास्ते पर धूप में कुछ बच्चियां तमाशा दिखा रही है। काजल नाम की ये बच्ची महज 8 साल की उम्र में धूप में अपने 5 भाई बहन का पेट भरने के लिए रास्ते पर तमाशा बता रही है। कच्ची मोहल्ला झूलेवानी मंजिल के पास ऐसे ही एक सर्कस करती हुई बच्ची से जब हमने पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाती, तो उसकी आंखों ने उसकी मायूसी साफ साफ बतला दी कि उसके घर की गरीबी से वो मजबूर है। उसके चेहरे की उदासी और आंखों की बेबसी देखकर ऐसा लगा कि ये चेहरा भी खूबसूरत होता अगर इसमें मुस्कान की झलक होती। इस चेहरे पर एक अलग ही नूर होता अगर खुशियां इसके साथ होती। ये चेहरा और खिलता अगर इसमें जिम्मेदारियां ना होती। इस चेहरे पर एक अलग सुकून होता अगर ये अपना बचपन ना खोती। ऐसी ही जिम्मेदारियां उठाते जमीन से 8 फुट ऊंचाई से अगर ये नन्ही काजल गिर जाए, तो उसके इलाज के भी पैसे उसके घर वालों के पास नहीं। हमेशा एक शहर से दूसरे शहर भटककर तमाशा बताने वाले, यहाँ वहाँ मजदूरी करने वाले, भीख मांगने वाले, ये और ऐसे ही कई हमारे देश के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और इनके पास अपना घर नहीं। कहीं भी खेतों में या रास्तों के किनारे सो गए, जहां नदी या पानी मिला तब नहा लिया, कुछ पैसे मिले तो खाना खाया, वरना भूखे ही रहे। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिस्क में गुम हैं, वो सब तलाशे रिस्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़ना थी, जिन्हें बागों में होना था। कितना दिन बचे कमा लेंगे? गिर जाएंगे तो लगेगा नहीं, 12 दिन लगेगा, स्कूल नहीं जाते, गाँव में जाते, हाँ कितने भाई बहन तुम लोग? 5 भाई बहन।